आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीएम के रिस्पांस का इंतजार कर रहे राज्यपाल। उन्होंने ऐसा कहा, सत्ताधारी दलों के नेताओं का रवैया ठीक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राज्यपाल ने यह भी कहा और राज्यपाल ने कहा है कि डीजीपी को तलब किया है, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया है, मुख्य सचिव को भी राजभवन तलब किया गया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे और उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो सीएम हेमंत सोरेन के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। Also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I'm repeatedly telling it. We have to work within the constitution. We all are law-abiding citizens. वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन कल देर रात सड़क मार्ग से रांची आ गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें जिसके बारे में जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो आपको बता दें हेमंत सोरेन कल देर रात ही सड़क मार्ग से रांची आ गए हैं। हालांकि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि सीएम रांची नहीं आए हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि आज रांची सर्किट हाउस में हो रही सत्ताधारी दलों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सीएम हेमंत के लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलने की वजह से सवाल अब भी वही है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कहां। शंकर आनंद संवाददाता अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी खबर, अब ये पता चल रहा है कि सड़क मार्ग से वो रांची पहुंच गए हैं, क्या ये पुख्ता जानकारी है? देखिए, जब तक पहुंच ना जाए, जब तक तस्वीरें सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, तो वो तब उसके बाद कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं या कोई वीडियो, ऐसा फिलहाल कहीं से भी कुछ भी देखने को नहीं मिला है, ना ही उनके ट्विटर हैंडल से कुछ जानकारी मिली है, ना ही उनके दफ्तर से कोई औपचारिक तौर पर ऐसी जानकारी को साझा किया गया है। लेकिन इतना स्पष्ट है, जिस तरह से अपुष्ट खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं कि मुख्यमंत्री आज सड़क मार्ग के माध्यम से झारखंड पहुंच सकते हैं, देर शाम तक पहुंच सकते हैं, उसके रूट के बारे में जानकारी दी जा रही, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री को देख ना लें, फिलहाल उस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री शंकर, बहुत सस्पेंस बनाया गया है। अगर आप देखें तो पहले सीएम हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना, अब ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची में है, हालांकि उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि रांची नहीं आए हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि आज जो बैठक होने वाली है सर्किट हाउस में, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, जिस तरह से पार्टी को भी एकजुट रखना है, पार्टी के तमाम जो नेताओं को एकजुट रखना है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर जो कयासें चल रही हैं कि अचानक जिस तरह से राजधानी दिल्ली स्थित आवास से अचानक वो लापता हो जाते हैं, और लापता होने के बाद उनका फोन जो है वो अभी फिलहाल स्विच है। हालांकि इस मामले में जो हमारे सूत्र बताए ईडी के, उनके द्वारा कोई भी अभी पूछताछ की जैसे कोई बात नहीं आ रही है, ना ही उनके ईडी के रडार पर है। तो एक तरह से इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं, इस मामले की जानकारी अभी फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली स्थित आवास से